पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नू लैके आ जलंधर विखे आम आदमी पार्टी वालों सूबा पदरी धरना दिता जा रहा है। इस मौके साढ़े नाल आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू तो तलवंडी साहब तो विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने असीं नाल गलबात करते हैं। की लोड़ पै गई मैडम अज जिहड़ा है कि सूबा पदरी धरना देन दी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नू लैके? देखो, चार साल हो गए सरकार लगातार सुती पई आ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वजीफा यानी कि 64 करोड़ का घोटाला जिहड़ा है चोर मंत्री के नाम बोलता यानी कि धर्मसोत के नाम बोलता है। और आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि 64 करोड़ के 64 करोड़ का आम आदमी पार्टी हिसाब मंगती है, क्योंकि अज इस चोर मंत्री की वजह के नाल 2 लाख स्टूडेंट आ पंजाब का जिहड़ा पढ़ाई तो वांझे रह गया, जिहड़ा अपनी पढ़ाई छड़ के घरे बह गया, जिन्हों अज मजबूर कर दिता सरकार ने कि वह अपने घरे बैठ जाए। और वैसे भी देखा जाए 250 तो लैके जिहड़े कॉलेज पहला बंद हो चुके ने और 300 कॉलेज होर ने जिहड़े इस वेले बंद होने की तादाद ते ने, और सरकार चुप करके बैठी है। याद करवाना चाहुंदे कि उही सरकार आ जिहड़ी ये क्या करती सी कि 1200 करोड़ का घोटाला जिहड़ा अकाली दल वेले होया, असीं कमेटी बनावांगे, असीं सारे दे सारे पैसे वापस लेके आवांगे। और 1540 करोड़ थोड़ा 3 सालों का 4 सालों का जिहड़ा हले तक पिया आ जिहड़ा तुसीं गरीबां दे विच वंडिया नहीं, पहला अपना हिसाब करो फिर तुसीं दूसरे की गल करो। सो आम आदमी पार्टी उस स्टूडेंट्स दीआं मंगां नूं लैके यानी कि दलित स्टूडेंट्स के हकों नूं लैके सड़कां ते है। जिथे हरपाल सिंह चीमा जी एक दिन पहला ही DGP नूं चिट्ठी लिखते हैं, एक हफ्ते की चेतावनी देंदे ने, एक हफ्ते की चेतावनी ये देंदे ने कि जे एक हफ्ते के अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले नूं लैके मनप्रीत सिंह बादल अते साधु सिंह धर्मसोत ये कार्रवाई नहीं करते DGP पंजाब, फिर जिहड़ा है कि संघर्ष तिखा करनगे ते सूबे भर दे विच संघर्ष कराउंदे ते इन्नी छेती की लोड़ पैगी? देखो, असी यह संघर्ष जड़ा बड़ी टाइम का आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की हुई है, जदों तक 64 करोड़ की गल आई है, बिल्कुल मनप्रीत बादल तो लैके कैप्टन अमरिंदर जी खुद तो लैके जदों तक सरकार इस घोटाले के वाइट पेपर नहीं लैके आँदी आम आदमी पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। आम आदमी पार्टी इस संघर्ष को होर तेज करेगी जदों तक बनती कार्रवाई इस चोर मंत्री तो नहीं हो जाती। 2022 लई की टीचा रहेगा और 2022 दे विच तुहानूं की लगता है कि पंजाब दे विच किहड़ा फेस होना चाहिए? और खा गई लुट के पंजाब नूं, पंजाब दा किसान धरमियां ते बैठा, पंजाब दा ओह जिहड़ा वर्ग नौकरियां करदा है, कहण दा मतलब टीचरां तो लैके मुलाजमां तो लैके बिजली कर्मचारियों तो लेके और सफाई कर्मचारियों तो लेके अज बच्चा बच्चा पंजाब दीआं सड़कां ते आ। सो कहण दा मतलब ड्राफ्ट उत्थे तैयार करन दी लोड़ हुंदी है जिथे सानू बहुत सारिया उम्मीदा होण कि सरकार इज डूइंग इज बेस्ट, सरकार पूरी तरह के नाल अपने वादियों तो मुनकर होकर अज हर एक बच्चे बच्चे नू मजबूर कर दिता सड़कों पर उतरन दे लई। सुखपाल सिंह खैरा मुड़ तो कांग्रेस विच ओ आए, उन्हां दा मंतव्य यह सीगा ही इज़ नॉट मेड फॉर आम आदमी पार्टी, वह कांग्रेस के लिए बड़े हुए थे तो कांग्रेस वापस चले गए। जिहड़े कांग्रेस के अंदर जिहड़े काटो कलेश ने थमन का नाम नहीं लै रहे, बीते दिन भी प्रगट सिंह वालों जिहड़ा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा गया कि करप्ट सरकार है, अपने ही जिहड़े कलेश सिर्फ अपनी सत्ता नूं मुड़ स्थापित करन दे लई आ कांग्रेस दे विच, ना कि काटो कलेश इस गल दे लई आ कि असी जिहड़े किसानां दा कर्जा किवें माफ़ करना, ना कि काटो कलेश इस गल दा आ कि असी पंजाब दे विच नशा किवें खत्म करना आ, ना इस गल दा कलेश आ कि पंजाब गुरु साहब दी जिहड़ी बेअदबी कराई उहदा हिसाब मंगदा आ। उहनां ने सिर्फ अपनी मुड़ सत्ता हासिल करन दे लई इह काटो कलेश कीता। जोत सिंह सिद्धू नूं किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू जे कांग्रेस सरकार तो इन्ने औखे ने तां मैनूं इह लगदा उहनूं छड्ड देणा चाहीदा आ। वाई ही स्टिल विद कांग्रेस? ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਫੇਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਬੈਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੈਮਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ
इस जाम चो निकलन दी ट्रैफिक पुलिस वालों कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। तुसी देख सकते हो एम्बुलेंस जिहड़ी है काफ़ी एम्बूलेंस जिहड़ियां कि असी देख चुके हैं कि जिहड़ी इसी धरने दे विच दे कारण जिहड़ा है कि फस रही ने। तुसी देख सकते हो कि दो दो एम्बूलेंस जिहड़ियां इस तुहानू दिखा रहे हैं इकट्ठे ही कि जिहड़ी धरने दे कारण जाम लगन करके जिहड़ा है फसिया हुई ने निकलन दे विच उहनूं औख आ रही है। सो पुलिस ट्रैफिक पुलिस वालों मुकम्मल तौर पर कोई रूट मैप नहीं तैयार किया गया, कोई उन्हां वालों पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिस कारण जेड़ा है कि एम्बूलेंस नूं भी अज जलंधर विखे धरने कारण निकलन जाम चो निकलन वास्ते दिक्कतों का सामना करना पै रहा, मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। सो असी पुलिस अधिकारियों नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे। गल करते हैं सर, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है एम्बूलेंस नूं जाम दे विचों निकलन दी, काफ़ी एम्बूलेंस जिहड़ियां असी देखियां जिहड़ियां जाम च फसियां ते बहुत औखियां निकलियां। देखो तुहाडे सामने राष्ट्र इहनां ने बहुत ज़्यादा किया है, इहदे बारे मैं एक्शन भी लवांगा। किसी की सीरियस मरीज की जान भी जा सकती है, काफ़ी दिक्कत आई है, जाम बड़ा लंबा है। कोई पहला रूट मैप क्यों नहीं तैयार किया गया इस बारे कि जी है कि रूट जो ट्रैफिक है पिछले डाइवर्ट कर दिया जाए तो कि किसी को मुश्किल ना हो, खास करके एम्बूलेंस नहीं। सूँ बारे इन्नी इनफॉर्मेशन नहीं थी भी इन्होंने इन्ने बंदे कट्ठे करने, ये बारे सू इनफॉर्मेशन इन्नी नहीं थी। इन वालों परमिशन सी परमिशन का बन नहीं पता। सो जेड़ा है कि पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के जिहड़े आगू ने जिहड़े प्रबंधक ने अज दे धरने ते उन्हां ते जिहड़ा है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हां वल्लों यह इतलाह नहीं सी कि इकट्ठ जिहड़ा है कि आम आदमी पार्टी वल्लों अज इस तरह किया जाएगा, जिस कारण जिहड़ा है कि अज जलंधर के डॉक्टर बी आर अंबेदकर चौंक विखे जाम लग रहा ते एम्बूलेंस नूं जिहड़ा है कि निकलन दे विच मुश्किल आ रही ने। सो आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ा है कि साधु सिंह धर्मसो ते मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिहड़ा कि पुतला साड़िया जा रहा, तुसीं देख सकते हो कि जलंधर विखे जिहड़ा कि सूबा पत्री जिहड़ा कि प्रदर्शन किया गया, धरना लगाया गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नूं लै के जिहड़ा कि जलंधर विखे जिहड़ा है कि सूबा पत्री धरना जिहड़ा कि दिता गया। विधानसभा दे विच जिहड़े उपनेता ने सरबजीत कौर मानू के उन्हां वल्लों जिहड़ा है कि जलंधर विखे जिहड़ा है कि साधु सिंह धर्मसो ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पुतले नूं जिहड़ा है कि अग लगाई गई है साड़े आ के तुसीं देख सकते हो। आम आदमी पार्टी की सीनियर आगू तलवंडी साबो तो विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद ने, तुसीं देख सकते हो। देखो जी कैप्टन सरकार के राज दे विच भ्रिष्टाचार दिन ब दिन बढ़ रहा, तो कैप्टन सरकार के मंत्री नवे दिन भ्रिष्टाचार करते हैं। 64 करोड़ का घोटाला होया सी, असी पूरा मसला चक्या इस गल का, उदो कैप्टन सरकार कहने मैनू अपने मंत्री से विश्वास है क्योंकि वह 64 करोड़ का नहीं कर सकता, कहने घोटाला तो सारा 7 करोड़ का विरोधी तो अमीर वाला पाई जाते, 7 करोड़ का घोटाला भी उन्होंने निगाह च घोटाला नहीं है। अज 2 लाख बच्चों का दलित बच्चों का वैसे तो गरीब बच्चों का भविख दाते हैं, पर कैप्टन साहब लारिया तो इलावा फिर नहीं कुछ दे रहे। चलो ये कहने विरोधी बोलते हैं, साड़ी ना सुनो तुसी, आज तो तुहाडे अपने MLA ने कहता जिहड़ा इस एरिए का भाई कैप्टन ने आप ही शब्द करता मैं सब तो वध भ्रिष्टाचार, तुसी आपदे नूं भी सुन लो,
2 लाख बच्चों का भविख जताते हैं, 2 लाख बच्चों का भविख दाते हैं, जिस करके उन्हें रोल नंबर नहीं मिल रहे। असं महीना कु पहले मिले सी मंत्री साहब न, वित्त मंत्री साहब न, वो कहते सी डिग्रियां मैं रिलीज़ करा दूंगा। अज असी इस करके आए हाँ, हर बजट के 3200 करोड़ रखे हुआ देख लो, बजट सैशन 800 800 800 800, गल सारी 1058 करोड़ की है। कैप्टन सरकार सानू यह दसना असं कि मिनट चो रिलीज़ करते हैं तो कि मिनट बच्चे पेपर च बैठते हैं। जिस तरह की जेड़े कांग्रेस के अंदरूनी जेड़े कि काटो क्लेश जड़े वाले थम्मन नू नाम नहीं लै रहे, इवें तक जिस तरह तुसी भी गल की बीते दिन भी प्रगट सिंह वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अपनी ही सरकार से जेड़े है कि सवाल निशान चुके गए हैं, तक कि करप्ट सरकार तक क्या गया, किस तरह देखते हो? देखो जी, सरकार करप्ट है, ये तो मुख्यमंत्री साहब आप ही दसे उपर जाके जो फाइल दे के आए हैं, तो यह भी सरकार को किसी तरह की जांच कराने की लोड़ है, यह भी लोड़ नहीं, क्योंकि पहले बजट सैशन साडे मंत्री साहब ने कहता सी, मुख्यमंत्री साहब ने मेरे को पिछली अकाली सरकार दे सारे भ्रष्टाचार की सूची आ। हुण यह भी नहीं कह सकते पिछलिया का नहीं पता, यह भी नहीं पा सकते अगलिया का नहीं पता, इहदा मतलब कैप्टन साहब की नीयत ही नहीं। कैप्टन साहब की नीयत सिर्फ गद्दी ते काबज होने की है, लोगों ने हकों की तो लोगों ने राखी की कोई नीयत नहीं। एक दिन पहला ही हरपाल सिंह चीमा वालों जिहड़ा कि DGP पंजाब नूं चिट्ठी लिखी गई है इसी बाबत ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के लिए, उस मांग की गई है उन्होंने वालों कि मनप्रीत सिंह बादल अते साधु सिंह धर्मसोत ते जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाए, तो एक हफ्ते का जिहड़ा कि चेतावनी दी सी, उस तो बाद उन्हों का कहना सीगा कि जे जिहड़े है कि सूबा पदरी जिहड़े कि संघर्ष किया जाएगा, मोर्चा खोलिया जाएगा, तो अज एकदम की देखो जी जो अज वाला प्रोटेस्ट है, 2 लाख बच्चों जो वजीफा रिलीज़ करना तो जो लारा लाना वो डेट लैंड का प्रोटेस्ट आ, जो साधु सिंह धर्मसोत का प्रोटेस्ट आ, वो असं फगवाड़े नाभे लंबे समय तो करते आए हैं तो करते रहेंगे। वो बच्चों ने हकों ने दिते, इन्होंने जो डाका मारिया वह वा वो परचे की गल आ। जो अज सा प्रोटेस्ट इस मतलब नहीं बी आम आदमी पार्टी कोई किसी तरह कोई निजी ले आई है, अज तो साडा मकसद ये है बी कैप्टन साहब 800 800 3200 करोड़ बनता 4 साल ना, वो पहले तो वह दसो बच्चा ना कितने खड़ा, दूजा ये दसो विधानसभा के बैकलॉग पूरा करने के लिए मता पास होना राजपाल को चले जाने, तुहाडे बाबूशाही दबी बैठी है, तुहाडी बाबूशाही दबी बैठी है। तीसरी गल ये दसो सानू बई वो कदों पूरा करांगे, तो सब तो जरूरी गल तुसी तां 1 साल तो कहने रोल नंबर दवा देंगे, जिहड़े पिछले 3 साल के बच्चे रोल ते वो कौन देखूगा, वह भी दस दो सानू हिसाब लैना है इसका जी। नवजोत सिंह सिद्धू देखो जी, उन्होंने अपनी राजनीति है, उन्होंने अपनी सोच है, पर अज का मुद्दा दलित जिहड़े बच्चे साडे गरीब बच्चे है जिन्हों का 2 लाख बच्चों का रोल नंबर रुकया पिया, उन्होंने किसी मंत्री बारे किसी संतरी बारे कोई मतलब नहीं। अज तो उन्होंने ये दाते लग्या होया बई साढ़े साल की पढ़ाई कितने बेकार ना जाए, अज तो असं उन्होंने बच्चों लिए खड़े जी। एक हफ्ते तक जिहड़ा है कि चेतावनी के मुताबिक जे DGP वालों कोई कार्रवाई ना की गई, फिर आम आदमी पार्टी की अगली जी है कोई रूपरेखा की होगी, किस तरह संघर्ष? आम आदमी पार्टी जो चंडीगढ़ प्रोटेस्ट करती है परचे करती है साढ़े, तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, 10 करो साढ़े सारे वर्करा भी कर लो सानू तो भी फर्क नहीं। ये संघर्ष तो इस तो बद तेज होएगा क्योंकि बच्चों ने पेपर आने वाले हैं, नाल काफला बना के चलेंगे, हेल्पलाइन नंबर असी जारी करता, तो असी सरकार को दिखावे थोड़िया कीतियां गलतियां का खमियाजा आम लोगों ने नहीं भुगतना। पाल सिंह कुछ भी नहीं, दलित बच्चों ने वजीफा दे के कांग्रेस उन्होंने चलिया गया। सो इत्थे प्रोफेसर बलजिंदर कौर और सरबजीत कौर मानुके का यही कहना सीगा कि अज जिहड़ा है कि एक जिहड़ा कि संकेतक सूबा पदरी धरना जिहड़ा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नूं लैके दिता गया है कि जेकर जल्द तो जल्द जिहड़ा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले दे विच कोई कार्रवाई ना की गई तो जल्द ही जिहड़ा है कि वह संघर्ष अपना होर तिखा करनगे। सो इस इत्थे जिहड़ा है कि उन्हां प्रोफेसर बलजिंदर कौर का यही कहना सीगा कि जिहड़े सुखपाल सिंह खहरा सन वह आए ही कांग्रेस के वापस जाने वास्ते सी, वह आए ही वो आगू ही कांग्रेस के सन, वो आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक अहुदे करके आए सी। चिराग शर्मा, अजीत वैब TV, जलंधर। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना।
इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।